वो जो पॉन्ड्स का जेल आता है ना, पता है स्किन को ऐसे पगला जाती है स्किन हमारी। मुझे लगता है कि ये यूज प्रोडक्ट आई है, मैं भगवान ना करे कि कभी इसे यूज करने की नौबत आए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, दिस इज होमी एंड आई एम बैक अगेन विद अश्मिटन बॉक्स हॉल। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड या नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो द फर्स्ट इज बाय डॉट एन की स्किन केयर, एंड दिस इज देयर 72 आवर्स हाइड्रेटिंग जेल प्लस प्रोबायोटिक्स। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये सैंपल है, 15 ml का ये टब है, एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹195। वो मुझे थोड़ा सा ये कॉस्टली लगा ऑब्वियसली, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। उसकी जो क्यूट वाली पैकेजिंग होती है वही है, सिर्फ कलर्स बदलते रहते हैं टब के। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, काफी जेल फिनिश है इसकी। फ्रेग्रेंस भी वेरी वेरी एक्वाइन माइल्ड की कंसिस्टेंसी भी, वो जो पॉन्ड्स का जेल आता है ना बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस का भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, एंड फिनिश भी बिल्कुल वैसी है, एंड काफी क्विकली एब्जॉर्ब हो गया है ये स्किन में। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस, क्योंकि अभी मेरी स्किन काफी ड्राई हो रखी है, सो ये काफी काम आएगा मुझे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज देयर डॉट एन की सीका कामिंग नाइट जेल, एंड ये मेरा दूसरा परचेज है। इसके पहले भी मैंने इसे श्मिटन बॉक्स से परचेज किया हुआ है। मैंने सोचा कि ये छोटा वाला ही मंगवा देते हैं, क्योंकि ट्रैवल में भी ना बढ़िया रहता है, एंड ऑलरेडी मेरे पास नाइट जेल में 2-3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसे अगर कभी कभी क्या होता है नई नई प्रोडक्ट्स के बीच में कभी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, स्किन को ऐसे पगला जाती है स्किन हमारी, तो तब उसे वही देना पड़ता है जो पहले पसंद करती थी। तो ये वो वाली प्रोडक्ट है मेरे लिए जो वो हमेशा पसंद करती है, सो मैंने फिर से इसे रीपर्चेस कर लिया है छोटू बॉटल में। ये भी अगेन जेल फिनिश है, ऑलरेडी, एंड मिंट वाली जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल वही फ्रेग्रेंस है। अगर आप जानना चाहते हो इन डेप्थ में तो प्लीज जाके मेरा प्रीवियस श्मिटन हॉल देखिए, मैंने इसमें अच्छे से अपनी फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर की थी। सो या द नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम डॉट एन की। आपको ऐसा लगेगा कि ये फर्स्ट वन ब्रांड वीडियो होने वाला है। सो दिस इज देयर नाइट रीसेट रेटिनॉल सेरामाइड स्लीप ट्रीटमेंट क्रीम, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये पर्टिकुलरली रेटिनॉल मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि रेटिनॉल 25 के बाद आपको रेटिनॉल इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको एजिंग डिले करना है तो। रेटिनॉल को आप बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्किन को वो सूट ना करे, एंड डॉट एन की मुझे थोड़ा सा सेफ ऑप्शन लगता है, क्योंकि अब तक तो मुझे इसकी प्रोडक्ट्स यूज करके कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ है। सो आई वॉज थिंकिंग कि इसी में पहले रेटिनॉल हम ट्राई करके देखेंगे, एंड ये इतना छोटू वाला जो पैक है ना, दिस रिटेल्स फॉर ₹445, इट्स लाइक वेरी कॉस्टली, तो श्मिटन बॉक्स काफी बढ़िया रहेगा, आप ऐसे ही मत ले लेना, क्योंकि अगर रेटिनॉल सूट नहीं करता ना तो आपकी फिर वो प्रोडक्ट वहीं पड़ी रहेगी। एंड अगेन ये पिंक बॉटल में आता है, ये भी अगेन जेल कंसिस्टेंसी है, एंड इसमें प्रोडक्ट मुझे काफी कम मिली है एक्चुअली, यू कैन सी इट्स वेरी लेस। मुझे लगता है कि ये यूज प्रोडक्ट आई है, मैंने अभी इसे ओपन करके देखा, एंड जितनी क्वांटिटी उन सब क्रीम्स की है उतनी इसमें नहीं है, सो मुझे इसका छोटा सा कंप्लेन डालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ जेल फेस वॉश, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम डॉट एन की, एंड दिस इज वॉटरमेलन सुपर ग्लो जेल फेस वॉश, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मुझे इसका जो सीका कामिंग वाला जो ग्रीन वाली बॉटल आती है ना, मैंने उसे एक फेवरेट में फीचर भी किया था, ये वो मैं आई कार्ड में दे दूंगी, एंड वो एक्चुअली मुझे काफी पसंद है, ऑयली स्किन के लिए तो वो काफी अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी माइल्ड है, लेट्स सी मैं इसे यूज करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला भी कैसा है, सो वेट फॉर माई रिव्यू। द नेक्स्ट इज फ्रॉम पिलग्रीम, एंड पिलग्रीम का मैंने इससे पहले इसी श्मिटन बॉक्स से आई थिंक हाइलोरोनिक एसिड मैंने ट्राई किया हुआ है, हाइलोरोनिक एसिड सीरम, एंड वो मुझे काफी पसंद आया था, वेरी इंप्रेसिव, एंड मैंने इस पे ना पूरा इनडेप्थ रिव्यू भी बनाया था। इनडेप्थ तो नहीं कह सकते, बट कौन सी प्रोडक्ट सैंपल में मैं परचेस करूंगी या कौन सी नहीं उस पर भी मैंने वीडियो डाला था श्मिटन पे, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ मैं लिंक कर दूंगी। एंड दिस इज देयर 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA पीलिंग सॉल्यूशन,
एंड दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, एंड ऐसा पिंक कलर का यू कैन सी यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है. सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस, क्योंकि आज तक मैंने केमिकल पीलिंग नहीं की हुई है. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, एंड मैंने सोचा कि अगर केमिकल एक्सफोलिएशन ट्राई करना ही है तो कोई सेफ ब्रांड से ही मैं ट्राई करूंगी. एंड पिलग्रिम मैंने काफी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा है उसका जो सीरम है उसके साथ. द नेक्स्ट अप इज अ नेल पॉलिश, एंड यू ऑब्वियसली नो आई एम ऑब्सेस्ड विथ नेल पॉलिश. मुझे नेल पेंट्स, नेल पॉलिशेस बहुत पसंद है. मैं कभी भी फेक नेल्स नहीं करवाती. दिस इज माई रियल नेल्स एंड यू कैन सी मैं काफी ग्रूम रखती हूँ उन्हें. एंड मुझे पर्टिकुलरली ग्लिटर एंड ब्लिंगी जो थिंग्स होती है ना मुझे बहुत पसंद है. सब कुछ ऐसा चमकते रहना चाहिए यू नो. तो दिस इज आई पिक्ड फ्रॉम श्बिटन बॉक्स. मैं अभी ये मैंने लगाई हुई है तो मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, बट डेफिनेटली आपको आगे वीडियोस में ये दिखी जाएगी. आफ्टर दैट आई हैव अ फूड प्रोडक्ट एंड दिस इज फ्रॉम बेवजिला चोको हेजलनट इंस्टेंट मिल्क शेक क्यूब, एंड दिस इज नेचुरली स्वीटन्ड विथ डेट पाम एंड जैगरी. एंड ये वन क्यूब है एंड 180 ml का जो मिल्क आता है कप उसमें आप यूज कर सकते हो. दिस कंटेन्स 10 grams एंड ऐसे पाउच में आता है. सो आई वॉज रियली इंट्रीग्ड के कैसे मिल्कशेक बन सकता है एक छोटी सी क्यूब से, तो मैं देखना चाहती थी. एंड उसमें आपको दो मिल जाते हैं. सो दिस टू आई गॉट, ये कुछ एक या दो ट्रायल पॉइंट से मुझे मिला होगा. सो जल्दी मैं बनाऊंगी, और अगर मैं बनाऊंगी तो आई विल अपडेट यू. एंड द लास्ट इज दिस हिमालय गैसेक्स पीस एसिडिटी गैस इनडाइजेशन इंस्टेंट रिलीफ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये जलजीरा फ्लेवर में है एंड ये फ्री मिला है मुझे. भगवान ना करे कि कभी इसे यूज करने की नौबत आए, बट अगर आती है तो आई विल लेट यू नो कि ये कैसा वर्क करता है. सो या दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट. सो या गाइज, विद दैट वी हैव कम टू एन एंड, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थोड़ा सा भी अगर मजा आया हो ना देखने में तो प्लीज इसे छोटा सा लाइक कर देना. ऑल्सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जानते हो कि मैं श्मिटन के जो सैंपल्स होते हैं वो मैं अच्छे से यूज करती हूँ. उसके बाद मैं इन डेप्थ उस पर वीडियो बनाती हूँ कि कौन सी चीजें मैं फुल साइज प्रोडक्ट में परचेज करूंगी, कौन सी मैं नहीं. सो अगर आप जानना चाहते हो कि इनमें से कौन सी चीजें मैं आगे परचेज करने वाली हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना. एंड विद दैट कमिटमेंट आई विल बी सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Bye.